हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि कई स्टूडेंट्स ने ये बोला था और कई प्रोफेशनल्स ने ये बोला कि सर कैश डिस्काउंट कैसे अलाउ करेंगे, क्योंकि जीएसटी कैलकुलेशन में फिर दिक्कत आ रही है। तो इसी वजह से हम लोग ये देख रहे हैं जीएसटी इनवॉइस, जिसमें हम कैश डिस्काउंट दिखाएंगे और किस तरीके से वो वैल्यू में से माइनस करें, इसको ज़रा चेक करते हैं। देखिए, ये एक सेल का लेज़र बना हुआ है। सपोज़ करिए ये बिल है आपका 70,000 पे, इसने 18,000 रुपीज़ टैक्स चार्ज कर रखा है, लेकिन इस बिल में हमें डिस्काउंट भी देना था, वो भी कैश डिस्काउंट। तो कैसे लेस करेंगे? अगर हम एल्ट ए करके चेक करें तो 70,000 पे 2,000 दिखा रहा है, 70,000 पे सारा टैक्स का कैलकुलेशन दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट पकड़ाते हैं, जैसे मैं एक नॉर्मल सा डिस्काउंट मैंने लेज़र बना रखा है, देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं अप्लीकेबल करने करा रखा है, कुछ नहीं किया है, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन गुड्स है। चलिए ठीक है, मैंने इसमें अगर दिखाने के बाद इसमें -2,000 रुपीज़ किया और फिर नीचे मैं अपना दिखा रहा हूँ क्या आउटपुट, सीजीएसटी सॉरी आईजीएसटी है, दूसरे स्टेट के आउटपुट आईजीएसटी अगर दिखाते हैं तो भी देखिए टैक्स का कैलकुलेशन वही आ रहा है। एल एट करके अगर चेक कर रहे हैं तो देखिए कोई माइनस यहाँ पे टैक्स, मतलब 2,000 रुपये जो डिस्काउंट माइनस होना चाहिए वो यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन मतलब ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट अमेंड कर देता हूँ। डिस्काउंट जब यहाँ बनाएंगे कई लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट का सॉरी कई लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट पकड़ाने की कोशिश की, उसके बावजूद नहीं हो रहा है। अगेन देखिए कोई इफेक्ट नहीं है। बेसिकली डिस्काउंट के लेजर में आपको थोड़ा सा काम करना है। आप जब डिस्काउंट देते हो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पकड़ाइए, यहाँ पे अप्लीकेबल रखिए। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी अप्लीकेबल है, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू पे जीएसटी लगा दीजिए। अब किस किस चीज़ की सप्लाई के ऊपर लगा रहे हैं, गुड्स के ऊपर कि सर्विसेज? तो गुड्स या सर्विसेज दोनों में से सॉरी गुड्स या सर्विसेज दोनों में से किसी एक पे आप चार्ज कर सकते हैं, या तो दोनों पे। अब देखिए -2,000 तुरंत जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। एलटी करके इसको चेक भी कर सकते हैं आप, 2,000 एसेप्शन वैल्यूज में से माइनस कर लिया। सो मेरे ख्याल से ये छोटा सा ट्रिक है जो आपको इनवॉइस में करना होगा अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद ऐसा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।